मैं दीपा खुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे चपाती टोस्ट। आप इसे बची हुई रोटी से या फ्रेश रोटी से बना सकते हैं। तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए दो रोटी, दो मीडियम साइज के आलू बॉईल किए हुए, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याज बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, रेड चिली सॉस, भुना हुआ जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, 50 ग्राम पनीर और घी। तो अब हम चपाती टोस्ट बनाना शुरू करेंगे। बाउल लेंगे, आलू डालेंगे, फोक लेंगे, आलू को मैश कर लेंगे, आलू को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, एक चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे, तीन चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, मिला लेंगे, अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम रोटी लेंगे, स्टफिंग को रोटी पे लगाएंगे, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। रोटी पर स्टफिंग लगा ली हमने, इसी तरीके से हम दूसरी रोटी पर भी स्टफिंग लगा लेंगे। हमारी दूसरी रोटी भी तैयार है। अब हम इसे सेक लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, एक चम्मच घी डालेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम रोटी लेंगे, स्टफिंग वाली साइड हम तवे पर डालेंगे, दूसरी साइड हम घी लगाएंगे और लो फ्लेम पर हम रोटी को सिकने देंगे ताकि हमने जो आलू लगाया है वो अच्छे से भून जाए। थोड़ी देर बाद हम रोटी को पलट लेंगे और दूसरी तरफ से पकने देंगे और इसी तरीके से हम रोटी को अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। हमारी रोटी दोनों तरफ से क्रिस्पी हो चुकी है, हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पनीर ग्रेट करेंगे। अब हम रोटी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। घी डालेंगे, रोटी लेंगे, रोटी को तवे पे डालेंगे, रोटी की दूसरी ओर घी लगाएंगे, इसे भी हम क्रिस्पी होने तक पका लेंगे।
तो तैयार है हमारा चपाती टोस्ट। आप इसे बनाकर अपने बच्चों को स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।